नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति शर्मा, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। आज हम आपको उन लड़कियों से बात करवाने जा रहे हैं जिनके बारे में बहुत सारी न्यूज़ हेडलाइंस बनकर मीडिया में भी आई थी, और आज लोगों में एक अलग छवि बनी हुई है उनको लेकर। लोगों ने कुछ अलग तरीके से उनको पेश किया है, जाना है। हम उनसे जानते हैं वो क्या बताना चाहती हैं, वो क्या कहना चाहती हैं इसके बारे में। मैम नमस्कार, अपना नाम बताइए। क्या नाम? अंचलाबाद। आप क्या बताना चाहेंगे? आप डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए हैं? हाँ जी, डेरा सच्चा से जुड़े हैं, 96 से जुड़े हुए हैं। अच्छा, इतने समय से आप जुड़े हुए हो, तो क्या बताना चाहोगे आप जो लोगों ने छवि बनाई है यहाँ जाने वाली लड़कियों के लिए डेरा सच्चा सौदा में? तो आप भी एक औरत हो, तो क्या बताना चाहोगे? मेरे गुरु जी के प्रति जो सब लगाया गया ये बिल्कुल सरासर सब सारा झूठ है, बिल्कुल झूठ है, ये कुछ भी नहीं है। मैं खुद जुड़ी हुई हूँ इतने सालों से, मैं खुद आती हूँ, मैं खुद उनकी बेटी हूँ, मैं खुद उनके आश्रम में इतनी क्या मतलब क्या मैं बताऊँ जो हमारे साथ क्या नहीं हुआ है, सब कुछ हुआ है, मतलब हर चीज़। क्या पिताजी ने क्या नहीं दिया है मुझे, सब कुछ दिया है पिताजी ने। आप भी जाती हो, किस तरह का माहौल रहता है फिर डेरे में? बहुत अच्छा माहौल रहता है, बहन बेटियाँ, पिताजी इतना प्यार देते हैं सबको। उनके प्रति जो मीडिया कह रही है बहुत सरासर गलत कह रही है, सरासर झूठ बोल रही है मीडिया, बिल्कुल झूठ बोल रही है। क्या सुरक्षित हैं बेटियाँ? बहुत ज़्यादा, इससे तो हम घर में भी सुरक्षित नहीं रहते जितना यहाँ हम सुरक्षित। यहाँ भाई कितने प्यार से बोलते हैं, सारे सब बहन अलग रहती, भाई अलग रहते हैं, अगर कोई ज़रूरत होती तो भाई आते भी हैं, प्यार से बोलते हैं यहाँ पे। तो बिल्कुल आपको कितना विश्वास है बाबा राम? मेरे को बिल्कुल 100% विश्वास है पूरा, और किसी पे मुझे दुनिया में विश्वास ही नहीं, पिताजी के अलावा किसी पे विश्वास ही नहीं, बस पिताजी को मैं मानती हूँ। क्यों है आपको विश्वास इतना? क्या मिला है आपको यहाँ? मुझे सब कुछ मिला है, बहुत कुछ मिला है मुझे। मेरी पहले ज़िंदगी क्या थी, अब मेरी ज़िंदगी क्या है, तो मुझे मैं कैसे बयान करूँ पिताजी के वचन। कैसी ज़िंदगी थी आपकी पहले? जो पहले ज़िंदगी मेरी सब कुछ अच्छी थी, लेकिन मुझे पहले खुशियाँ नहीं थी, जो अब मुझे खुशियाँ मिली हैं। पिताजी ने क्या नहीं दिया, पहले इतना मेरे पास धन दौलत भी नहीं थी, अब जितना मेरे पास धन दौलत पिताजी ने इतना दे दिया कि मैं संभाल नहीं पा रही हूँ। सरकार से यही अपील करना चाहती हूँ, मेरे पिताजी को छोड़ो, मेरे गुरु जी को छोड़ो वहाँ से, मतलब ये सब सरासर मीडिया झूठ बयान करती है, सब झूठ दिखाती है, कुछ भी नहीं है डेरे में, तो कुछ है ही नहीं इस तरह का कुछ जो मीडिया दिखा रही है। बहन बेटियों के लिए क्या किया है बाबा जी? बाबा जी ने बहन बेटियों के लिए बहुत कुछ, अपनी बेटी की तरह अपनाया है। क्या नहीं अपनाया, क्या नाम किन्नरों को तो अपने बेटियां बनाई, बेटे बनाए, क्या नहीं बनाया पिताजी ने, और क्या नाम शादियाँ करवा रहे हैं निकाल निकाल के वहाँ से। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए ये वो फैक्ट हैं डेरा सच्चा सौदा का जो काफ़ी समय से जा रही है, 95 से ये डेरा सच्चा सौदा के साथ जुड़ी हुई हैं, जिसने बताया कि इनके बाप हैं बाबा राम रहीम जी, इनको बेटे की तरह करोड़ों बेटियों को बेटियों की तरह शिक्षा दी है बाबा राम रहीम जी ने, लोगों को इन्होंने करारा जवाब दिया है। आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में डालिए, और जुड़े रहिए और सच्ची बातें जानने के लिए, सच्ची खबरें जानने के लिए द फैक्ट टाइम के साथ।